हूँ सचिन, और आप लोगों को स्वागत करता हूँ टेक्निकल ट्रिक सचिन चैनल में। मैं आज बताने जा रहा हूँ कि इस जो लैपटॉप है, इस लैपटॉप में हार्ड डिस्क नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव नॉट फाउंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव नॉट फाउंड। तो इसे हम फिलहाल ऑन करेंगे। इसके जरिए ये जो मेमोरी कार्ड देख रहे हैं, इसमें मेमोरी कार्ड लगा हुआ है। इसमें मैंने Ubuntu का ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हूं। अब मैं ऑन करूंगा इस मेमोरी कार्ड के जरिए। मेमोरी कार्ड मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये मैंने मेमोरी कार्ड लगा दिया, मैं उसको रिस्टार्ट करने जा रहा हूं अभी। ऑन कर दिया। ये देखेंगे कि F12 मैंने डाल दिया। F12 का मतलब है ये कि जो बूट मेनू F12, तो यहाँ पे लिखा है कि USB स्टोरेज ड्राइव। ये कहाँ से ऑन होगा आपका? ये सीरी ड्राइव लिखा है और यहाँ पे ऑन बोर्ड NIC ऐसा कुछ लिखा है, लेकिन हम फिलहाल जाएंगे USB स्टोरेज ड्राइव। यहाँ पे लिखा होगा, आप दिख रहे होंगे USB स्टोरेज ड्राइव। हम चल रहे हैं वहां पे, एंटर दे दिया मैंने, चला हमारा USB से। USB ड्राइव मतलब ये जो हमारा पेन ड्राइव लगाया है हमने। रिस्टार्ट देख सकते हैं आप, अभी ऑन हो गया Ubuntu काइलिन। ये Ubuntu का Ubuntu हो गया, देख सकते हैं। लेकिन हम अभी Ubuntu आने के बाद हम यहां पे इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि हमारा ये हार्ड डिस्क नहीं है। अगर हार्ड डिस्क होता तभी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर कंटिन्यू भी कर सकते हैं Ubuntu। लेकिन फिलहाल हमारा हार्ड डिस्क नहीं है। यहाँ पे है कि यहाँ पे कुछ कारणवशत हार्ड डिस्क काम नहीं कर रहा है, हार्ड डिस्क दिखाई नहीं रहा है। तो यही प्रॉब्लम है कि हम USB थ्रू हम ऑन कर रहे हैं। तो अब दिखाएगा, ये लिखा है इंग्लिश, आप देख सकते हैं ये इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश। ये इंग्लिश है, हम इंग्लिश में जाएंगे क्योंकि हमें तो चाइनीज आता ही नहीं है। इंग्लिश आ गया, देख सकते हैं ये लिखा है इंस्टॉल Ubuntu काइलिन। इंस्टॉल Ubuntu मतलब अगर यहाँ पे हार्ड डिस्क होता तो हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हमारा हार्ड डिस्क फिलहाल काम नहीं कर रहा है, मतलब कोई खराब हो गया है। ये ट्राई Ubuntu काइलिन लिखा है, ट्राई कर सकते हैं हम, ऑन कर सकते हैं। ये आ गया, बस ये आ गया, ये हमारा Ubuntu आ गया, देख सकते हैं। इसे हम यूज कर सकते हैं, जैसा चाहे ऐसा हम यूज कर सकते हैं, टाइम वगैरह यूज कर सकते हैं। हम चेंज भी कर सकते हैं, राइट क्लिक, रीनेम, इसमें फोल्डर लिख देंगे, फोल्डर। ऐसा हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हार्ड डिस्क काम भी नहीं करता है तो भी हम कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं। सचिन,
देख सकते हैं यह हम ऑन कर दिए, इंटरनेट भी लगा सकते हैं हम। ये मैंने दे दिया पासवर्ड, कनेक्ट, हम इंटरनेट भी लगा सकते हैं इसमें। google.com ये मैंने गूगल का डाल दिया है। कुछ भी हम सर्च कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। अगर कुछ सुझाव है, कुछ क्वेश्चंस है तो मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की नए नए ट्रिक्स, छोटा सा ट्रिक्स, ज़्यादा नहीं ट्रिक्स लाता रहूँगा, और आपका ये छोटा ट्रिक भी बहुत काम का आएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।